सुंदरनगर के होमगार्ड कंपनी में तकरीबन 40 साल सेवाएं देने के बाद हवलदार इंद्रजीत सिंह बिना किसी पदोन्नति और सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन सुविधा के बिना ही खाली हाथ सेवानिवृत्त हो गए। इस अवसर पर होमगार्ड कंपनी सुंदरनगर की ओर से विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता कंपनी कमांडर जवाहरलाल शर्मा ने की। इस अवसर पर सेवानिवृत्त कंपनी कमांडर बलिराम ठाकुर भी विशेष रूप से मौजूद रहे। हिमाचल प्रदेश होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से तमाम होमगार्ड के जवान हवलदार इंद्रजीत सिंह को उनकी सेवानिवृत्ति के अवसर पर आयोजित समारोह में पहुंचे हुए थे। इस अवसर पर उनको बटलोही भेंट भी की गई और उन्हें सम्मानित किया गया। पूर्व कंपनी कमांडर बलिराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार का होमगार्ड के जवानों के प्रति उदासीन रवैया रहा है, जबकि अन्य राज्यों की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश के होमगार्डों को पुलिस विभाग के जवानों की तर्ज पर सुविधाएं भी नहीं दी जा रही हैं। ना तो होमगार्ड के जवानों को समय पर वेतन मिलता है और ना ही सेवानिवृत्ति के बाद कोई पेंशन सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। प्रदेश सरकार के इस व्यवहार से प्रदेश का होमगार्ड का जवान स्वयं को ठगा महसूस करता है। ठाकुर का कहना है कि सरकार को जल्द से जल्द अन्य राज्यों की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में भी होमगार्ड के जवानों को पुलिस विभाग के जवानों की तर्ज पर तमाम सुविधाएं मुहैया करवानी चाहिए और सेवानिवृत्ति के बाद पुलिस जवानों की तर्ज पर ही होमगार्ड के जवानों को पेंशन सहित अन्य सुविधाएं मुहैया करवानी चाहिए। उन्होंने बताया कि होमगार्ड के जवान पुलिस विभाग के जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दिन रात प्रदेश में सेवाएं देते हैं, लेकिन सुविधा के नाम पर जवानों को बांट कर रखा हुआ है। उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से आग्रह किया कि वे जल्द से जल्द पुलिस विभाग के जवानों की तर्ज पर होमगार्ड के जवानों को एक समान सुविधा, एक समान सेवा काल के लिए मुहैया करवाया जाए। आज जो हवलदार इंद्रजीत सिंह जो रिटायरमेंट हो रहे हैं, इन्होंने तकरीबन 39 वर्ष की सर्विसेज होमगार्ड विभाग में की है और इन्होंने बहुत ही ईमानदारी से और निष्ठा से अपना जो भी ड्यूटी से संबंधित कर्तव्य निभाए हैं, और हमें गर्व है कि ऐसे पुराने जो रिटायरमेंट हो रहे हैं वो, इनसे हमें भी थोड़ी सीख मिली है। और हम भविष्य में यही कामना करते हैं जो नौजवान जो हमारे इस संस्था में जो भर्ती हुए हैं, वो भी उन्होंने भी इनसे कुछ सीख ली है कि एक ईमानदारी से ड्यूटी करना और उसमें जो लास्ट में एक रिटायरमेंट तक जो अपने कर्तव्य का पालन करना बहुत ही गर्व की बात है। और इन्होंने भिन्न भिन्न जगहों पे ड्यूटी दी है, मेला ड्यूटी, वीआईपी ड्यूटी है, और जहाँ भी प्रदेश से बाहर भी जो ड्यूटी लगती है वहाँ भी इन्होंने अपनी पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी दी है। तो हमें इनसे इनके ऊपर बहुत गर्व है और खुशी भी है कि आज इतने लंबे समय ड्यूटी करते करते जो रिटायरमेंट हुए हैं, और खुशी से जो है विदाई समारोह में इन्होंने जो भी, इनके परिवार भी खुश है, हमारा होमगार्ड भाई भी आज बहुत खुश है, तो इतनी 39 वर्ष की सर्विस करने के बाद जो है अपने घर जा रहे हैं।